वो बर्खास्त क्यों करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है और हमारे सारे विधायक जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे ईमानदार हैं। वो बात अलग है कि अमानतुल्ला खान के ऊपर अलग केस चल रहा है, ताहिर हुसैन के ऊपर अलग, सतेंद्र जैन अलग, मनीष सिसोदिया के ऊपर अलग इंक्वायरी बैठी हुई है, केजरीवाल के ऊपर भी बैठेगी, लेकिन पार्टी इनके ईमानदारों की है। ये चोर तो हो ही नहीं सकते, चोर शब्द क्या होता है इनको पता ही नहीं है, सारा इनका ही है, हिस्सा क्या है इसमें? उन्होंने तो बस एक कुरियर बॉय की तरह रखने के लिए दिया है, उनको है इन्हीं का सारा। बेशरम केजरीवाल, उस पर तूने माफ़ी मांगी क्या? तुम्हारी पार्टी में भ्रष्ट लोग नहीं है क्या? तुम्हारा एक स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली का जेल में है। सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर से जिस तरीके से छापेमारी हुई है कि 2 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है और सोने के सिक्के मिले हैं, सोना मिला है 2 किलो से ऊपर, जनता कह रही है कि अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन? वो बर्खास्त क्यों करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है और हमारे सारे विधायक जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे ईमानदार हैं। वो बात अलग है कि अमानतुल्ला खान के ऊपर अलग केस चल रहा है, ताहिर हुसैन के ऊपर अलग, सतेंद्र जैन अलग, मनीष सिसोदिया के ऊपर अलग इंक्वायरी बैठी हुई है, केजरीवाल के ऊपर भी बैठेगी, लेकिन पार्टी इनके ईमानदारों की है। ये चोर तो हो ही नहीं सकते, चोर शब्द क्या होता है इनको पता ही नहीं है, ये सारे ईमानदार बैठे, पब्लिक चोर है, यहाँ पे दिल्ली की जनता चोर है, जो एक बोतल लेने जाती है दारू का दूसरा चुरा के लेके चली जाती है फ्री में, तो पब्लिक चोर है ये, ठीक है। सत्येंद्र जैन को ये निकालेंगे कल को, फिर वो उठ के इनके बगावत में खड़ा हो जाएगा कि भैया मैंने तो आपकी चोरी पकड़ी हुई है, मैं आपके बारे में बता दूंगा, तो निकालेंगे क्यों किसी भी ये तो ताहिर हुसैन को भी नहीं निकाले आज तक, तो अमानतुल्ला खान को नहीं निकाले, जो खुलेआम दिल्ली में कितने नरसंहार के, कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बेकार करवा दिया। तो केजरीवाल कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के, अपने लोगों के साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है चोर चोर मौसेरे भाई, आज मैं इनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, कल वो मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, पता चला कि मैं भी इनके साथ इंक्वायरी फंसाऊँ, जेल में जाऊँगा। तो केजरीवाल का ये एक ही प्रोपेगेंडा है कि जितने अपने लोग हैं उनको किसी काबिल बना दो, सिविल डिफेंस में देख लो आप सारे इनके बंदे हैं, किसी भी सरकारी का नौकरी में देख लो सारे इनके बंदे हैं, इसने सबको अपने बंदों को लगा के एक भर दिया है, मुंह बंद कर दिया है कि आप किसी के खिलाफ किसी की आवाज़ मत उठाओ। अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की जनता कह रही है कि कितना हिस्सा है उस प्रॉपर्टी में, उन चीज़ों में जो आज ईडी ने जब्त की है, जो अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे, सारा इनका ही है, हिस्सा क्या है इसमें? उन्होंने तो बस एक कुरियर बॉय की तरह रखने के लिए दिया है, उनको है इन्हीं का सारा। सोनिया गांधी है, सारा कैश पी चिदंबर के पास रखी, चिदंबरम पकड़ा गया, उनको भी समन भेज दिया गया, सोनिया गांधी को भी। तो ये जो मेन मेन लीडर है ना, अपने पास कैश नहीं रखते, अपने पास पैसे नहीं रखते, ये सारा अपने सहयोगियों के पास रखते हैं, ये रखेंगे मनीष सिसोदिया के पास, सत्येंद्र जैन के पास, किसी के पास भी रखेंगे अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि हम नहीं फंसने चाहिए। आज वो फंसा हुआ है तो कल को इनका नंबर भी आएगा, और ये जो ईमानदारों की पार्टी का नाटक कर रहे हैं, ये आने वाले समय में सबसे करप्ट पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी हमारी सरकारों के पीछे पड़ गए, पंजाब और दिल्ली में उनके पास एजेंसियां हैं तो हमारे पास भगवान है। हाँ ठीक, भगवान है इनके पास? भगवान के बारे में आपने किया क्या आज तक? जो द्वारका में हज हाउस के लिए बनवा रहे हो कितने 100 करोड़ रुपए लगा के, कहाँ पे दिल्ली में बनवा रहे हो मंदिर एक भी? भगवान का मतलब क्या है? फंसने लगे तो मैं भगवान को मानता हूँ, नहीं तो राम तो काल्पनिक थे ही थे। और उसके बाद तुम कह रहे हो कि बीजेपी वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं, हम कह रहे थे कि भैया जाओ मूसे वाले को मरवा दो, वो कांग्रेस का है तो हम कह रहे थे कि जाओ मरवा दो, हम कह रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो पंजाब में घुसने मत देना उनको, मोदी जी बोले थे कि मैं आऊँगा तो मेरा बहिष्कार करना, तो मेरे को पब्लिक सिटी मिलेगी, हमने तो नहीं बोला था। तो पंजाब में एक नशे का अड्डा बना हुआ है, तो इन्होंने दिल्ली में ये प्राइवेट करके ये दिखाया कि नहीं हम आएंगे तो हम आपसे भी बड़े हैं नशेड़ी, हम एक के एक फ्री दे रहे हैं, पंजाब में एक पे दो फ्री देंगे, इसलिए वहाँ पे उनकी सरकार बनी। बनते ही बंदा मारा गया, बनते ही वहाँ पे 18 हत्याएं हो चुकी हैं, कहाँ गए भगवंत मान और केजरीवाल? राघव चड्ढा जी को सुन रहा हूँ कि भाई दामाद भी बनाने वाले हैं, जिसको कोई जानकारी नहीं है उसको दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट बना दे रहे हैं, तो मतलब इनको रिश्तेदारी चाहिए, उसको कोई भी पद पोजीशन चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि किसी नामांकन में गए तो पुलिस वाले को धक्का मार के चले गए, वही अभी दूसरी कोई पार्टी का होता तो ये मीडिया से लेके पार्टी तक हाय तौबा मचा देती। तो केजरीवाल के खिलाफ ये लोग कुछ बोलने वाले हैं नहीं, और भी जो पार्टियाँ हैं, और अगर मोदी जी इनके पीछे पड़ जाएँ तो दिल्ली में इनके पास है क्या? DDA भाजपा, MCD भाजपा, लोकसभा भाजपा, इनके पास है क्या? NDMC भाजपा, तो ये कर क्या सकते हैं? क्यों 7 विधायक जितने भी काम हो रहे हैं खाली 7 विधायक, सारे विधायक ही कर रहे हैं, और कोई क्षेत्र और कोई संसदीय क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, बसे मोदी जी दी, कहते हैं हमने दी,
जितने की बस नहीं उससे ज्यादा का पोस्टर लगवा लिए कि बसें हमने दिया। तो ये बंद कराने के लिए ना इनके ऊपर मोदी जी को एक बार सही बात है पीछे पड़ना चाहिए। कहीं गलत काम हो जाए पुलिस तो इनके अंडर में है, कहीं अच्छा काम हो जाए देखो हमने किया है। हत्या हो गई तो वहाँ पे तो आप बोल भी नहीं सकते कि पंजाब पुलिस किसके अंडर में है या किसके कहने पर सिक्योरिटी हटाई। खुलासा करो ना कि आपने हटाया क्या सिक्योरिटी उनकी, बताओ हमें भी, लेकिन जानकारी नहीं दे सकते। वहाँ पे अगर केंद्र का अधीन होता तो कहते कि केंद्र के अधीन पुलिस है उनसे पूछो। इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे अरविंद केजरीवाल साथ? नहीं लेंगे, चोर चोर मौसेरे भाई कभी इस्तीफा नहीं लेंगे। अगर वो लेंगे तो वो भी फंसेंगे, केजरीवाल भी फंसेंगे। सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर से इतनी बड़ी चीजें मिली हैं आज के, 2 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है, सोने के सिक्के मिले हैं, 2 किलो से ज्यादा सोना मिला है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी साजिश चल रहे हैं, हमारी सरकारों को टारगेट कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जो है गिरगिट की तरह है, रंग बदलते रहते हैं। आए सबसे पहले कहने लगे जी देखो मैं तो जन लोकपाल बिल लेके आऊंगा। क्या जन लोकपाल बिल आया? नहीं आया। और उसी का नतीजा है इनकी जितनी भी, आप एक सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं, अभी जब सर्वे होगा ना, जब ये हटेंगे ना तो सबके चिट्ठे खोलेंगे। कोई सा भी MLA ले लीजिए, सब ने जो जिनके मतलब घर भी नहीं थे आज वो कोठियों में रह रहे हैं। कौन सी कोठियों में? GK VIP कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनके मकान है, कोठियां बन गई हैं। हैं कहाँ से आया वो? आते ही इसने क्या करा, केजरीवाल ने अपने MLA की 4 गुना तनख्वाह कर दी। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? हैं आप जब एक सिंगल तनख्वाह मिलती थी तो 4-4 गुना तनख्वाह कर दिए। कहते थे मैं 500 स्कूल खोलूंगा, 1 स्कूल तक नहीं खोला इन्होंने। और क्या करा, क्या करा कि 5 लाख की रंगाई पुताई कर दी और उसका खर्चा डाल दिया 25 लाख का। 25 लाख में मैडम 2 2BHK का फ्लैट आ जाता है आज की डेट पे। तो कहने का मतलब क्या कर रहे हैं ये, तो कहीं अगर इनको बोल दे तो कहते जी ये देखो ये ऐसे कर रहे हैं, हमारे पे छापे मरवा रहे हैं, ये एजेंसी इनके लिए काम कर रही है, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया। अरे आप कर रहे हो ना तभी तो आपके चिट्ठे खुल रहे हैं, अगर आपने करा नहीं होता तो आपके चिट्ठे कहाँ से खुलते हैं? आप तो कहते हैं मैं तो स्वच्छ छवि का हूँ। DTC का हाल देख लीजिए, DTC का हाल बुरा हो रखा है। DTC की सीटें देखिए ऐसे लटकी पड़ी हुई हैं, हैं AC ऐसे लटक रहा है नीचे को। तो देखिए ना क्या करा इन्होंने विकास, विकास के नाम पे एक पुल नहीं बनाया। और कहते हैं देखो जी मैंने देश के इतने करोड़, 150 करोड़ बचा दिए, 200 करोड़ बचा दिए। हर राज्य में जाके अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। पंजाब में जाते हैं देखो जी मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा और दिल्ली को नशा युक्त कर दिया, एक के साथ एक फ्री दे दी। कि आप जवानों को क्या करना चाह रहे हैं, आप जवानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। और देश विरोधी आदमी है ये, देश विरोधी अराजकतावादी आदमी है ये, ऐसे आदमी तो देश को चाहिए नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। बताइए अरविंद केजरीवाल क्यों आखिरकार सत्येंद्र जैन को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं? आज ED के हाथ तमाम चीजें लगी हैं, कैश लगा है 2 करोड़ से भी ज्यादा, सोना है, सिक्के हैं, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि राजनीति हो रही। मैडम केजरीवाल एक धूर्त राजनेता है, ये एक्टिविस्ट के रूप में जन लोकपाल का धोखा देके, ढकोसला देके, अन्ना जी के सर पे चढ़ के उनको पार करके दिल्ली की सत्ता पे बैठ गए। जंतर मंतर से सबको चुनौती देती देते, कोई भी नेता आके मुझसे बहस कर ले, लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास कहते हैं बहस कर लो तो आते नहीं सामने। इन्होंने कहा था हमारे किसी भी नेता पे कोई आरोप लगता है हम इंटरनल लोकपाल बनाएंगे, सारे नेताओं को बैठाएंगे, फिर जांच करवाएंगे, अगर वो गलत आरोपी वो गलत साबित होता है हम उसे हटा देंगे। लेकिन आज उसी के सहयोगी के घर पे, सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर पे करोड़ों रुपए का सोना और कैश पकड़ा जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केजरीवाल, संजय सिंह और केजरीवाल ने क्या कहा है? जितेंद्र तोमर के बारे में कहा था, जो इनका मंत्री था, लॉ मिनिस्टर, वो भी ईमानदार है, उसकी डिग्रियां ठीक है। क्या हुआ अब जितेंद्र तोमर है क्या अभी? ना वो विधायक है ना वो मंत्री है। तो बेशरम केजरीवाल, उस पर तूने माफ़ी मांगी क्या? तुम्हारी पार्टी में भ्रष्ट लोग नहीं है क्या? तुम्हारा एक स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली का जेल में है, ED पकड़ के बैठी है, पंजाब के को तुमने इस्तीफा लिया है, 2 स्वास्थ्य मंत्री तुम्हारे गए, तुमने माफ़ी मांगी जनता से? कमिटेड आए थे ना तुम कि हम साफ छवि के लोगों को पार्टी में लेंगे, अगर वो भ्रष्ट निकल गए तो चारित्रिक पतन तो तुम्हारा भी हुआ ना,
तुमने भी तो गलत लोगों को चुना। आज जो कैश और सोना पकड़ा जा रहा है इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि पद्म विभूषण मिलना चाहिए सत्येंद्र जैन। मैडम महाभ्रष्ट बेशरम आदमी है केजरीवाल। कपिल मिश्रा ने जब पार्टी छोड़ी थी तो उसने आरोप लगाया था मैंने कैश 2 करोड़ रुपए लेते हुए सत्येंद्र जैन को देखा है। उन्होंने सारा कुछ लिख के दिया था इन्हें, पर इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि केजरीवाल पैसों का यार है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में हम भी जुड़े हुए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट इन्होंने बंद कर दी। करोड़ों रुपए केजरीवाल ने गबन कर लिया। ये भ्रष्ट आदमी है। ये दुनिया पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाता था। अरुण जेटली जी से राघव चड्ढा ने, केजरीवाल ने, संजय सिंह, इन सब ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। ये तो इनका बड़ा दिल था, उन्होंने माफ़ कर दिया। नहीं तो इनसे टीवी पे चलवा के 10 दिन तक माफ़ी मंगवानी थी। इन्होंने नितिन गडकरी से माफ़ी मांगी है। बेशरम लोग आज बड़े नेता बनते घूमते हैं। पंजाब कह रहे हैं जीत लिया इन्होंने, कल खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और वो कह रहे हैं अलग हम एक देश बनाएंगे। ये क्या जिन्ना की तरह प्रधानमंत्री बनेगा खालिस्तान का? वहाँ पर सिक्योरिटी दी है और हरमिंदर साहब में इन्होंने नारे लगवा दिए देश अलग करने के। क्या अब हमें पंजाब जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा? इस बेशरम केजरीवाल ने वहाँ क्या सरकार इसलिए बनाई थी कि एक अलग देश बना लेगा? केजरीवाल को भ्रष्टाचार की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अलगाववाद की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये उर्बन नक्सल है। बहुत पहले इसके बारे में कह दिया गया था कि ये शहरी नक्सली व्यक्ति है। ये 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे के दिन यहाँ पे जन राजपथ पे धरना देने बैठ गया था। केजरीवाल महाभ्रष्ट आदमी है, महा झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है। ये सिर्फ राजनीति में इसलिए चल रहा है क्योंकि ये करोड़ों रुपए का विज्ञापन देता है। ये विज्ञापन जीवी है। पूरी दिल्ली से लेके पूरे भारत में हर अखबार के फ्रंट पेज पे इसकी फोटो है, हर बैनर पोस्टर पे इसकी फोटो है। ये सिर्फ विज्ञापन करके राजनीति में चमका हुआ है, अदरवाइज ये कोई काम नहीं कर रहा। पेट्रोल डीजल पे कोई सब्सिडी नहीं दे रहा है, बल्कि दारू एक के साथ एक फ्री दे रहा है।